डिम्पल बोल रही है आपकी सीक्वेंस टेक्निक सुपर्ब है बेटा, थैंक यू। सो ये जो टेक्निक्स है ना बेटा, ये आपको भी ऐसा एक बार सीक्वेंस लिख लिया तो यू विल फाइंड। सो दिस इज हाउ आई स्टडीड माय सीए एग्जाम। तो मैं वही आपको बताता रहता हूँ कि मैं जीरो से जब स्टार्ट करता था, बिकॉज मेरे टाइम पे कोई ऐसा मुझे बताने वाला नहीं था। आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू कि ये बहुत कॉम्पिटिशन लेवल बढ़ गई है। सो बेटा आपको थोड़ा स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा कि अपार्ट फ्रॉम अभी बच्चा क्या करेगा, देखो इसमें बच्चा क्या करेगा, स्टूडेंट विल डू दिस बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ओके, सो आपको क्या करना है, फर्स्ट यू टू आइडेंटिफाई सीक्वेंस कि मुझे क्या करना है। सो पहला क्या हुआ, एप्लीकेशन बहुत इजी था, एप्लीकेशन ड्यू इजी था, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट ड्यू इजी था, बट नाउ वन पर्सन हैज नॉट पेड, नाउ दिस इज द रिकॉलिंग टेक्निक। राम हैज नॉट पेड, रिमेनिंग अमाउंट इज पेड। राम के कितने शेयर्स थे याद करेंगे, 100 शेयर्स। तो 9900 रिसीव्ड, 100 शेयर्स नॉट रिसीव्ड। दिस इज हाउ यू हैव टू रिकॉल, दिस इज रिकॉलिंग ऑफ बेटा मेरिट रैंकर्स। देन फिफ्थ नंबर, फिफ्थ ये 4 2 हो गया, अलॉटमेंट तक हो गया। फर्स्ट कॉल, अभी फर्स्ट कॉल ड्यू में गलती क्या करेगा, यू विल डू 10000 शेयर्स। अरे नहीं ना, राम के शेयर्स अपने पास ही है, तो 10,000 शेयर्स कैसे होंगे हमारे पास, 9,900 शेयर्स आएंगे, 9,900 शेयर्स। एंड उसमें से रिसीव्ड कितने हुए, 9,900 माइनस 150, 9,750। बाकी का कॉल सिनेरियोस, देन अगेन शेयर्स फॉरफिटेड, देन 150 शेयर्स फॉरफिटेड। देन व्हाट इज द एंट्री, अगेन 9,750 ओनली कॉल, सेकंड कॉल रिड्यूस होते गया, सेकंड कॉल। सो दिस इज अ न्यू थिंग। नाउ सर वेदर दिस क्वेश्चंस आर इन स्टडी मटेरियल, नो। And बेटा we won't get time to solve each and every question. मैंने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, so I don't think you will find this very difficult. So write down the sequence whenever there are big questions like accommodation bill या ऐसे questions होंगे तो sequence लिखो and sequence will give you marks. Okay, easy check in एकदम, हाँ।